चेहरे जले अध जले जंगल, चेहरे पंख नुची चिड़ियाएं, चेहरे भटके हुए शिकारे, चेहरे खोई हुई दिशाएं, चेहरे खुली जेल के कैदी, चेहरे चूर चूर आईने, चेहरे चलती फिरती लाशें, चेहरे अस्पताल के जीने, चेहरे सियासतों के मोहरे, चेहरे भाषाओं की जंगें, चेहरे रहबरों की चालें, चेहरे मजहब की शतरंजे, चेहरे सोमनाथ के मंदिर कोई गजनवी तोड़ गया है, लूट ले गया हीरे पन्ने, खाली पत्थर छोड़ गया है, बस ऐसा ही है, कुछ खास नहीं। क्यों सर? तुमने भवानी बिल्डर्स की नौकरी क्यों छोड़ दी? सर, मुझे अपनी तरक्की भी तो देखनी है, और फिर वहाँ वहाँ यानी फिरोज बिल्डर्स, पगार भी दुगनी मिल जाती। तुम हमारे सीनियर अकाउंटेंट हो, हमारे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानते हो। फिरोज तुम्हें दुगनी पगार इसलिए दे रहा है क्योंकि तुमने हमारी अंदरूनी जानकारी दी है उसे। जोधा भाई के साथ गद्दारी की है तुमने? नहीं सर, ये झूठ है, मैंने उन्हें कुछ नहीं। कल से तुम बंबई में नजर नहीं आओगे, समझे? हाय गाइस, कल से वो बंबई में नजर नहीं आएगा। क्या तुमने उसे फिनिश नहीं कर दिया? हाँ, ऐसे ही जाने दिया उस गद्दार को? इट्स ओके सनी, वो वापस नहीं आएगा। एनीवे, थैंक्स। तिवारी का फोन था, अमृत कुंड का मालिक प्रॉपर्टी बेचने को तैयार नहीं है। हर बार वही किस्सा, ये लोग समझते क्यों नहीं कि अगर वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो राउंड दे जाएंगे। फिरोज भी उस एरिया में फैलने की पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले महीने दो बड़ी प्रॉपर्टीज हथिया ली उसने, अमृत कुंज पर भी उसकी नजर है। अमृत कुंज प्राइम प्रॉपर्टी है, अपने पास ही आनी चाहिए। अपनी इज्जत का भी सवाल है, तिवारी को एक बार फिर भेजो उनके पास, और इस बार एक ब्रीफ केस भी साथ ले जाने दो। लक्ष्मी सामने हो तो फैसला जल्दी हो जाएगा।
अगर जोधा भाई ने अमृत कुंज पर नजर डाली है तो डालने दो, हमने भी तो उनके इलाके में दो बढ़िया प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली है। मैं तो कहूंगा कि हर प्रॉपर्टी पर उनका जम के मुकाबला करें और खदेड़ दें उन्हें उन्हीं के इलाके से। बहुत इठला चुके हैं वो, उस अकाउंटेंट को भी गायब करवा दिए, हमने कुछ नहीं किया। मैं भूला नहीं हूं अब्दुल, मगर उस अकाउंटेंट से हमें जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई। फिर वो कहीं भी जाए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सुना है जोधा भाई की उस नए होम मिनिस्टर के साथ आजकल अच्छी जम रही है। डेढ़ साल पहले इसी प्लॉट की वजह से मेरे डैडी का मर्डर हुआ था। तभी मैंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए ये प्लॉट हमारे ही हाथ आएगा, और जिस तरह की बिल्डिंग डैडी यहाँ पे बनाना चाहते थे
वो सपना आज मेरे सामने खड़ा है। What a great feeling. ईशान, तुझे क्या लगता है आज से 10 साल बाद हम कहाँ होंगे? 10 साल? 10 साल बड़ा लंबा अरसा होता है सनी, किसे पता तब तक क्या हो। मुझे पता है, तब तक मेरा एक और सपना पूरा हो चुका होगा। हम इस शहर पर हुकूमत कर रहे होंगे। ये सारा शहर, ये सारा मुल्क हमारा होगा। यस! Long years ago, we made a tryst with destiny. And tonight, the time has come when we shall redeem our pledge. क्या साबित करना चाहते हो तुम? कि तुम खुदा हो? पिस्तौल हाथ में है तो किसी पर भी गोली चला दोगे? ये दिखाना चाहते हो कि मैं कुछ भी करूं और कोई मुझ पे हाथ नहीं डालेगा? या ये दिखाना चाहते हो कि कैसा मर्द बच्चा हूं? यही मर्दानी है तुम्हारी? एक बेहतर बुजुर्ग पे गोली चला दी तुमने क्योंकि वो जो कह रहा था तुम्हें पसंद नहीं था? क्या गलत कह रहा था वो? तुम लोगों को कीड़ा कहो और वो चुपचाप सुनते रहे? क्यों? क्योंकि तुम खुदा की कोई खास सौगात हो इस मुल्क के लिए। ओके, ओके, काम डाउन, काम डाउन। यू नो माय टेंपर इज, मुझे कुछ हो जाता है यार। ईशान, कम ऑन। कोई आई विटनेस नहीं है सर, यहाँ का चौकीदार भी गायब है, और इनके बारे में पता चला है कि ये रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी नहीं थी। किराए के मकान में रहते थे कुछ महीने पहले, वो भी छोड़ गया। और कुछ? बॉडी के पास ये गोलियां मिली है सर। एक गरीब बूढ़े स्कूल मास्टर को कोई इस तरह क्यों मारेगा? हो सकता है उन्हें मारना किसी और को था, पर हो तो कुछ भी सकता है सोनार, लेकिन एक कमजोर बुजुर्ग को इतनी गोलियां मारना सचमुच एक नीच और नहायत ही बीमार दिमाग शख्स का काम है। और वो शख्स इस वक्त इस शहर में आजाद घूम रहा है, ये ख्याल ही मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चाहिए इस बार? कुछ नहीं जोधा भाई, मैं तो बस ये मिठाई देने आया था। मिठाई लेकर आए हो? क्या समझते हो जोधा भाई को? हाँ, इतने रुखाई नहीं जोधा भाई, आप मुझे जानते हैं। मेरा मकसद एक ही है, आप और सरकार के बीच रिश्ते की मिठास बरकरार रखना। ले जा इसे। तेरे मिनिस्टर साहब के बेटी के रिसेप्शन का खर्चा मैंने उठाया, उनके नालायक बेटों को अमेरिका भेजने के लिए एयर टिकट मैंने दिया, और तेरे मिनिस्टर साहब ने हमारे लिए 2 पुलिस अफसरों का तबादला तक नहीं किया। रिश्ते की मिठास इसी को कहते हो क्या? मानता हूं जोधा भाई, मानता हूं, पर ये तो सरकार है। रहने दो गंगाधर राव, सरकार बचानी हो तो एमएलएस खरीदने के लिए पैसा हमसे लेता है और मीडिया में हमारे खिलाफ बयान देता है, रेड करवाता है हमारे बिजनेस पर। गुस्सा मत होइए जोधा भाई, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वैसे मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, देश की सुरक्षा का सवाल है। एक आदमी है, बल्कि एक नहायत ही डेंजरस आदमी है, शक है कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है। सीआईडी उस पर नजर रख रही थी लेकिन वो चकमा दे गया है। ख्याल है कि मुंबई में ही कहीं है और अंडरवर्ल्ड की किसी गैंग ने उसे बना दे रखी है। मेरी कमजोर नस पर हाथ रख दिया ना साले ने, देश का नाम लिया है, कुछ करना ही पड़ेगा। तू नाहर भाई से बात कर ले,
नार भाई। हमें क्या मिलेगा? नार भाई ये तो नेशनल। हमें क्या मिलेगा? 3 महीने तक पुलिस आपके धंधे को हाथ नहीं लगाएगी। 3 महीने काफी नहीं है, 1 साल। नार भाई आपको तो पॉलिटिकल सिचुएशन मालूम है, पिछले इलेक्शन में कुछ सीटें हाथ से निकल गई। मिनिस्टर साहब के प्रेस्टीज का सवाल है, ये एजेंट अगर पकड़ा गया तो हो मिनिस्टर के लिए बड़ी कामयाबी की बात होगी, आपका भी क्लाउड बढ़ेगा। 6 महीने से कम नहीं, 6 महीने तक पुलिस हमारे धंधे को और हमारे किसी भी आदमी को हाथ नहीं लगाएगी। देश का सवाल है, इसलिए सिर्फ इतना ही। डन, हो गया, समझ लो। 6 महीने की गारंटी कि हमें कुछ नहीं होगा। गारंटी? 6 महीने तक पुलिस आपको छुएगी नहीं। उस एजेंट की पहचान? जी, ये उसकी फोटो। जिंदा या मुर्दा? जिंदा मिला तो बेहतर है। ठीक है, जिस दिन आपने उसे पकड़ा उस दिन से आपके 6 महीने शुरू। मैं चलूं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सनी भाई, चलता हूं। अंकल, कैन आई सी दैट पिक्चर? देखो। थैंक यू। इस शख्स को ढूंढने की जिम्मेदारी मैंने ली है। जिंदा या मुर्दा, ये हमें चाहिए। सलीम जी भाई, मुश्ताक साहब आज शाम बाहर जाना चाहते हैं, बंदोबस्त करो और इनके साथ रहो। जी अच्छा भाई। थैंक यू फिरोज भाई। फिरोज भाई, कुछ खबर आई वहां से, वो क्या नाम है उस बंगले का, अमृत कुंज से? आपने भेजा किसी को वहाँ? नहीं। क्यों इतना हिचकिचा रहे हैं आप? हमारी अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो। मुश्ताक, अपना काम करने के लिए हमें कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। शाबाश शाबाश ईशान, आखिर नाहर का खून है। मुझे बहुत गर्व है तुम लोगों पर, ऐसा कठिन काम बड़ी हिम्मत और बहादुरी से निभाया है तुम लोगों ने। सनी, ईशान तेरी परछाई है, जब तक ईशान तेरे साथ रहेगा मुझे कोई फिक्र नहीं। और ईशान, सनी की खैरियत को अपनी खैरियत समझना जी। तुम दोनों मेरे दो बाजू हो। फिरोज भाई, ये खबर भी पक्की है कि वहां पर जोधा भाई का पोता सनी और उसके दोस्त मौजूद थे? अच्छा, और उस अकाउंटेंट को भी सनी ने ही उठवाया था? तो जोधा भाई ने अब खुलकर हमला किया है हम पर। अब्दुल, दो काम करो। पहला ये कि उस सनी पर कड़ी नजर रखो, उसे अब जल्दी ही दोजख का दरवाजा दिखाना है। दूसरा, फौरन जाकर नरोत्तम मेहता से मिलो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अमृत कुंज चाहिए। अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। चेहरा
पलकें जब उठी नैनों में दिए मध्यम मध्यम अध खुले होंठों से हंसी झांक रही मध्यम मध्यम कैसे कहां फिर हो गई उसकी छवि मध्यम मध्यम पल पल उठती हसरतें होने लगी मध्यम मध्यम और दूर कहीं रोशन एक चेहरा सूरज था पे नूर सा उसकी धमक मध्यम मध्यम चांद भी था बुझा बुझा तारे भी थे मध्यम मध्यम जुगनू दिलासा देने लगे नन्ही सी जान मध्यम मध्यम क्षमा भी थक हार के होने लगी मध्यम मध्यम और दूर कहीं रोशन हुआ एक चेहरा एक और इत्तेफाक वैसे पहली मुलाकात जैसी कोई मुलाकात कभी हुई नहीं उसके साथ एक दिन फिर बाय चांस चाहतों के गुलाब हो मन में और चाहे ना कुछ हो जीवन दुख के लम्हे कभी जो आए तो एक कांदा हो सर टिकाने को और एक जिंदगी बिताने को एक्सक्यूज मी ये नोटबुक मेरी है आई एम सॉरी अच्छा लिखती हैं आप थैंक्स तो वो शायरा है बड़ी गहराई में देखती है उसके सोचने का देखने का तरीका उसके बोलने का अंदाज कुछ अलग ही है कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई है और मैं यही कहीं हूं कभी ऐसा होता है ना कि अलग अलग हालात में बाय चांस आप किसी से टकराते रहते हैं और एक दिन अचानक आपको लगता है कि जैसे शायद ऐसा होना ही था एक दिन मैं अपनी जीप में घर लौट रहा था देखा रास्ते में एक औरत गिरी पड़ी है मैं उस औरत को हॉस्पिटल ले गया पुलिस ने उसके घर फोन पर खबर दे दी मैं वहीं रुक गया
सोचा जब तक उसके घर से कोई आना चाहे। हेलो ईशान जी। बाबा माँ को फोन दो जी। माँ बाबा का फोन। जी मुझे काफी देर हो जाएगी लौटने में, तुम लोग खाना खा लेना। आप आ जाइए मैं रुकूंगी। मैंने कहा ना तुम लोग खाना खा लेना। माँ मुझे पुराने फ्लैट की चाबी चाहिए। क्यों? बस यूं ही रणधीर मैं और सनी वहां बैठकर गपशप किया करेंगे। घर से मनहूब गया है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। बाबा ने कुछ कह दिया क्या? नहीं कहा थोड़ी देर में आएंगे। तो मैंने फ्लैट की चाबी मांग ली इसलिए? अरे नहीं तू खाना खा ले लगा दू। नहीं माँ बाबा आ जाए सब साथ में खा लेंगे। माँ क्या हुआ? पता है आज के दिन मैं दुल्हन बनी थी। तेरे बाबा मुझे ब्याह के लाए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे होने वाले पति क्या करते हैं। मुझे नहीं पता था कि जिस घर में मैं जा रही हूँ वहाँ रोज पति की थाली सजाए उसके सकुशल घर लौटने की प्रार्थना करनी पड़ेगी। हर रात मैं डरती हूँ, रात से डरती हूँ, नींद से डरती हूँ। आंखें बंद करती हूँ तो चीखें सुनाई देती हैं, अनाथ बच्चों और विधवा औरतों की चीखें, उनकी विलाप और उनकी बद्दुआएं जो तेरे बाबा के लिए निकलती हैं, मेरी नींद में दरारें पड़ जाती हैं। जब भी वो घर से निकलते हैं डर लगा रहता है कि कहीं उन्हें आखिरी बार तो नहीं देख रही हूं। क्या तू भी चाहेगा कि तेरी पत्नी तेरे लिए थाली सजाए, मेरी तरह डरते डरते रोज तेरे लौटने का इंतजार किया करे, तिल तिल कर तुझे खो देने का डर लिए मरती रहे?
बात बताओ ईशान, तुम किस जज्बे को सबसे ज्यादा गहराई से महसूस करते हो? डिपेंड्स, अलग अलग मौकों पर अलग अलग जज्बात महसूस होते हैं। मसलन इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो? क्या महसूस कर रहे हो? डर। डर? कैसा डर? तुम्हें खो देने का। ईशान, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं भी सीरियसली ही कह रहा हूँ। सुमन, इस वक्त तुम्हें कौन सा जज्बा महसूस हो रहा है? गुस्सा और डर। गुस्सा और डर? ये पढ़ो, पिछले हफ्ते की खबर है। किसने एक बूढ़े बुजुर्ग को गोलियां दाग कर मार डाला। उसकी उम्र 75 साल की थी। लोगों का कहना है कि वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था। वो कैसा इंसान हो सकता है शान, जिसने एक बुजुर्ग को इस तरह शूट कर दिया? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आ रहा है शान, और डर भी लग रहा है इस बात का कि अगर ऐसा सब होता रहा तो कहीं इंसानियत से मेरा रहा सहा यकीन भी ना उठ जाए। नहीं रखो, फिरोज के आदमी अमृत कुंज पहुंच गए आज। तिवारी दोबारा गया नहीं उनके पास? वो जा रहा है। 50 लाख और नई बिल्डिंग में एक फ्लैट, बहुत बढ़िया डील है, आप मान जाइए। ये 5 लाख है, सौदा पक्का हुआ। ये तो जबरदस्ती हुई। मैंने आपसे साफ साफ कहा है कि यह मकान नहीं, घर है हमारा, और हम घर का सौदा नहीं करते। मेहरबानी करके आप अपने पैसे वापस ले जाइए। अंकल, आप बुरा मान गए। नरोत्तम भाई, आप शायद नहीं जानते हैं कि आप जोधा भाई के आदमी हैं, यही ना। आप हमें माफ करें, वैसे लोगों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्या मतलब है आपका? जोधा भाई कैसे आदमी है? नहीं नहीं, बहुत बड़े आदमी है। हमें माफ कीजिए, आप अपने पैसे वापस ले। हमें मालूम है आपको किसने भड़काया है। वो फिरोज बिल्डर्स के आदमी आपके पास आए थे ना? तिवारी जी, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। नरोत्तम भाई, इस धंधे में सब खेल नजर का है। क्या मतलब? महाभारत में लिखा है, जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण से मदद मांगने आए तो प्रभु सो रहे थे। जब जागे तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पे पड़ी, फिर क्या हुआ, कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। अर्जुन भाग्यशाली थे। नरोत्तम भाई, फिरोज से पहले आपके मकान पर जोधा भाई की नजर पड़ी है, ये बड़ी अहम बात है। आप बड़े खुशनसीब हैं। क्या योग आया है, आजकल तो माफिया वाले गैंगस्टर लोग भी कृष्ण बनने निकले हैं। I'm sorry. आप मुझे क्षमा कीजिए, मगर मुझे यह घर नहीं बेचना है। भाई जी, मैं अमृत कुंज से आ रहा हूँ, नरोत्तम मेहता नहीं मान रहा है। मूर्ख। भाई जी, मुझे लगता है फिरोज के लोगों ने मेहता पर काफी प्रेशर डाला है। ठीक है, फिर लक्ष्मी से नहीं मान रहे तो लोहा दिखा दो, कानूनी कागजात, सेल डेट, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह तैयार करवा लो, उनसे दस्तखत करवाने का इंतजाम कर दो। लेकिन देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिरोज भी यही करने वाला। कुछ भी हो, हम फिरोज को अपने एरिया में नहीं घुसने देंगे। नार भाई, भाई जी के सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा,
लेकिन ये फिरोज के लोगों ने मेहता को काफी भड़का दिया है हम लोगों के खिलाफ। पता नहीं क्या क्या बक रहा था, उसने तो भाईजी को गाली दे दी। क्या दादाजी को गाली दी उसने? क्या बोला वो? अब क्या बताऊं मैं, उसने कहा कि जोधा भाई माफिया है, गैंगस्टर है, गुंडे हैं। थैंक यू तिवारी, आप जा सकते हैं। आप कागजात तैयार करवा कर मुझे दे दीजिए, नरोत्तम मेहता के दस्तखत मैं करवा के लाऊंगा। बेटे हमारे पास है ना लोग ये सब कराने के लिए। उस आदमी ने दादाजी को माफिया गैंगस्टर कहा है और आपको गुस्सा तक नहीं आया ये सुनकर? कैसी बातें कर रहे हो सनी, ऐसे मौके पर ठंडे दिमाग से काम लेना होता है। I'm sorry, अंकल। मेरा दिमाग ठंडा नहीं है, आप वो पेपर्स मुझे दे दें, ये काम मैं खुद करूंगा, फैसला मेरा है। कुछ याद आया? याद आया कुछ? कुछ याद आना चाहिए मुझे। अगर मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है तो याद आना चाहिए तुम्हें। हाँ याद आया, आज मेरी ग्रैंड रिहर्सल है और कल परफॉर्मेंस है और तुम्हें आना है, याद है ना? याद है। वैसे तुम्हें और भी कुछ याद आना चाहिए। मसलन? मसलन ये जगह, एक दिन तुम्हारा यहाँ कुछ गिर गया था। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा वो? उस दिन जब तुमने मुड़कर देखा तो क्या दिखाई दिया? मुझे दिखाई दी एक हिरन के बच्चे की आंखें, मासूम, खोई खोई, साफ, जिनमें कोई छल नहीं था। तुम्हें क्या दिखाई दिया था? मेरे एक उस्ताद थे अली साहब, उनसे मैं उर्दू सीखती थी। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद बम्बे में फसाद हो गए, तुम्हें तो याद होगा, कर्फ्यू लगता था कई इलाकों में। उन्हीं दिनों एक बार अली साहब मुझे घर छोड़ने आए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाती हूँ कभी कभी ये सोच के कि क्या फिर मैं कभी किसी इंसान पर पूरी तरह से विश्वास कर पाऊंगी।
सुमन, तुम मानती हो कि इंसान बदल सकता है? मसलन जिन लोगों ने तुम्हारे उस्ताद की हत्या की, उनमें से एक आदमी आज तुम्हारे पास आता है और ईमानदारी के साथ कहता है कि जो कुछ उसने किया उसके लिए उसे तहे दिल से अफसोस है, और वो हिंसा छोड़ के अपनी जिंदगी का रास्ता बदलना चाहता है, तो क्या तुम उस पर विश्वास करोगी? नहीं कह सकती। हेलो ईशान, आज रात 9:30 बजे रेन फॉरेस्ट। आज शाम को मैं कहीं जा रहा हूँ यार। Nothing doing. 9:30 रेन फॉरेस्ट। सनी मैं Thank you.
फैमिली में 5 मिनट से
हुआ? जरा सा टच हो गया बस। कोई बात नहीं, तुम गाड़ी निकालो। गाड़ी बंद पड़ गई है। जल्दी करो। करता हूँ भाई, करता हूँ। जल्दी कर, जाओ यहाँ से जल्दी। फिर क्या हुआ? अरे भाई गाड़ी फिर बंद कर। जल्दी चालू कर, निकल यहाँ से जल्दी। केबल छूट गया है, 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगा। वक्त बर्बाद मत करो, दस्तखत।
क्या हुआ यहाँ? तुम यहाँ कहीं आसपास से रहते हो? नहीं, इस घर में पहचान है किसी से? नहीं, गुजर रहा था बस। कहाँ जा रहे थे? घर। जो कहाँ से आ रहे थे? डिस्को। वैसे हुआ क्या है? एक वारदात, मर्डर। सर एक मिनट। सर सोफा के पास दो गोलियां मिली हैं और दूसरे बेडरूम में थी। सॉरी सुमन, कल मैं तुम्हारा डांस पूरा नहीं देख पाया। घर से निकल रहा था तो एक दोस्त का फोन आ गया और मैं सच कह रहा हूँ सुमन, यही तो प्रॉब्लम है। कभी कभी तो ड्रामा कर लिया करो ईशान, छोटा मोटा झूठ बोल लिया करो, कभी झगड़ने का मौका तो मिले। ये देखा तुमने बॉम्बे को क्या हो रहा है? पूरी फैमिली को मार डाला। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि कल रात शो के बाद मैं वहीं से गुजर रही थी। मेरी टैक्सी का एक गाड़ी से जरा सा एक्सीडेंट हो गया और टैक्सी बंद पड़ गई अमृत कुंज के बिल्कुल सामने। इतने में कुछ लोग दौड़कर आए, गाड़ी में बैठे और भाग गए। बारिश बहुत तेज थी इसीलिए किसी का चेहरा तो मैं देख नहीं पाई, लेकिन घड़ी लाल रंग की थी। अच्छा, इत्तेफाक की बात तो है, कल रात मैं भी वहां से गुजरा था। उस वक्त पुलिस लाशों को एम्बुलेंस में डाल रही थी। अच्छा, रीना सर, यहाँ पुलिस का एक नंबर दिया है, कोई एसीपी खान है जो इस केस के इंचार्ज हैं। सोचती हूँ उन्हें फ़ोन करके कम से कम गाड़ी का नंबर बता दूँ। क्यों? हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें गाड़ी का नंबर ठीक से याद है ना? हाँ। बोल रहा हूँ एसीपी खान, आप? मैं सुमन देव। इस बारे में बात करनी थी आपको, अमृत कुंज वाली घटना के बारे में। एसीपी खान, नमस्ते। आप? ये मेरे दोस्त ईशान। हेलो, हम पहले भी कहीं मिले हैं? जी, कल रात अमृत कुंज के बाहर। हाँ हाँ। सुमन जी, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो कुछ भी आप मुझे बताने जा रही हैं, हो सकता है वो सब एक दिन आपको कोर्ट में दोहराना पड़े। आप कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हैं? जी, जो कुछ भी मैंने देखा उस रात वो सब मैं कोर्ट में आकर भी बताने के लिए तैयार हूँ। गुड।
के तौर से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दरअसल गोली रीढ़ की हड्डी के पास लगी है। हमने पूरी कोशिश की लेकिन ये लड़की कमर के नीचे जिंदगी भर अपाहिज रहेगी। अनमनी सी मुस्कान के पीछे दर्द की कराह सुनाई दे तो भी ये सुनहरी तन्हाई जज्बातों से टकरा के बिखर जाए तो भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना जब उसने चेहरे से अपना मास्क उतारा था। अच्छा आज अगर तुम उसे देख लो या उसका फोटो देख लो तो पहचान लोगी उसे? पता नहीं। अच्छा ये देखो इनमें से किसी की भी शक्ल मिलती है उसे? नहीं, नहीं। आगे देखो आगे देखो नहीं। खान साहब वैसे तो मैंने अमृता की मौसी को अच्छी तरह समझा दिया है जी लेकिन उतना ही काफी नहीं होगा आपको भी जिम्मेदारी उठानी होगी जी अमृता आप पर भरोसा करने लगी है ज़्यादा देर नहीं है तुम्हारा घर आने में क्या ये वो लड़का ये सफेद जीप में है वो कौन है वो तुम जानती हो उसे हाँ ये आदमी उस रात यही ऐसा आदमी हमारे घर में सोना सफेद जीप का नंबर नोट करो बर्दाश्त क्यों कर लेते कभी आपको गुस्से में भी तो देखने का मौका मिले क्यों सिर्फ ये देखने के लिए कि आप गुस्सा होते हैं तो कैसे लगते हैं मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या मैं सोच रहा था कि मैं अंकल वॉल प्लीज आप
कहकर कब तक पुकारती रहेंगी मुझे आप? पता नहीं, बुरा तो नहीं लगता ना तुम्हें? Of the day. ये सनी है एंड सुमन. हेलो सुमन. हेलो. नो नो नो, ये सरासर बेइंसाफी है. दिस नॉट फेयर. ईशान, आई हेट यू. यू आर अ लायर. तूने मुझसे झूठ बोला. झूठ? तूने मुझसे कहा कि ये अच्छी लड़की है. ब्लडी लायर. ये सिर्फ अच्छी लड़की है. यू आर ब्लाइंड. ये तुझ जैसा अंधा इंसान इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता है? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई. एक राज की बात बताऊं? ये पागल तुम्हें बहुत प्यार करता है. वेलकम टू द फैमिली. मैं चलता हूं. यू आर राइट. इसके लिए जान भी दी जा सकती है. इसके घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा. कोई भी नहीं. ये मेरी जिम्मेदारी है. तुम कोई फिक्र मत करना किसी भी चीज के बारे में. जल्दी मिलो. क्या सोच रही हो? तुम्हारे दोस्त के बारे में. अजीब सा है ना? वो ऐसा ही है. अभी जब मैं आ रही थी तो नीचे एक गाड़ी देखी जिस पर वैसे ही स्क्रैच था जिसे पेंट कर दिया गया था, लेकिन स्क्रैच फिर भी नजर आ रहा था. गाड़ी का रंग भी वही था जो उस रात मैंने देखा था. हाँ, लेकिन गाड़ी का नंबर अलग था. सोच रही हूँ मैं एसीपी खान को बता दूँ. हाँ जरूर. देखिए वो गाड़ी अभी तक है क्या? हाँ. ईशान सिंह जी, कौन बोल रहे हैं? आप कल दोपहर 4 बजे एसीपी असलम खान के दफ्तर आ जाइए. वो आपसे मिलना चाहते हैं. 4 बजे शार्प. गाड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं एसीपी साहब को बता ही देती हूँ. हेलो, एसीपी खान है? हाँ कहिए असमान जी. मैंने वो गाड़ी फिर देखी लेकिन नंबर अलग है. अच्छा बताइए. MH02. आप एसीपी खान कहाँ बैठते हैं? आप ईशान सिंह जी आइए मेरे साथ. मिस्टर ईशान सिंह, 15 जुलाई की रात को
मतलब 10-11 बजे और उसके बाद। आप कहाँ थे? 15 जुलाई जी, 15 जुलाई वही रात जब आप वहाँ से गुजरे थे और आपने मुझसे पूछा था क्या हुआ है यहाँ। ओ उस रात मैं रेन फॉरेस्ट से लौट रहा था। कौन था आपके साथ? जी मैं अकेला ही लौट रहा था। कोई दोस्त? कोई नहीं। वो कैसे? होता है कभी कभी। जिसको मैं किसी से मिले, कोई बातचीत किसी के साथ? जी नहीं। आप जिसको मैं गए, किसी से मिले नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, फिर भी आप चाहते हैं मैं आप पर विश्वास करूं? थैंक्स। इसका फैसला तो आप ही करेंगे। वैसे क्या यह इतना नामुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। आपके दोस्त कौन है? हेलो, खान साहब हैं वहाँ? यस सर। हाँ वो यहीं है सर, आपके लिए। यस। असलम चौहानिया। सर ईशान सिंह नाम का एक लड़का है इस वक्त तुम्हारे पास। यस सर। छोड़ दो उसे अभी। सर अभी जाने दो उसे, लेकिन उस पर नजर रखो। सर तो आप उस डिस्को में कब तक थे? बस वहां से निकलकर सीधा घर ही जा रहा था जब आपसे मुलाकात हुई। हाँ हाँ, कोई 1:30 बजा होगा उस वक्त। जी अच्छा ईशान सिंह, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। आपके पास पिस्तौल कौन सी है? पिस्तौल कोई नहीं। शायद रही हो कभी आपके पास? जी नहीं, मेरे पास कभी कोई पिस्तौल नहीं थी। शुक्रिया, मिलते हैं कभी। जी। एसीपी असलम खान, क्या जवाब दिया तुमने? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं था। उन्हें पता कैसे चला? तुम्हें ही पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया वहां? चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देते? पापा मैं ये सब छोड़ देना चाहता हूँ। क्या? मैं जोधा भाई और सनी का साथ छोड़ देना चाहता हूँ। ओ आप भी छोड़ दीजिए बाबा, आजाद हो जाइए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो ईशान? मैं आजाद हो जाऊं, मुझे क्या जोधा भाई ने कैद कर रखा है? खान ने शायद तुम्हें डरा दिया है। मैं डरा नहीं हूं बाबा, मैंने सनी से भी कह दिया है कि मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता। आप भी छोड़ दीजिए बाबा। ये वो काम नहीं है ईशान जिसे हम जब चाहें छोड़ दें, ये हमारी रवायत है, उसूल है, सौगंध है। ये जुर्म है, गुनाह है बाबा। ईशान, हमने अपनी सौगंध पर अपने खून के दस्तखत किए हैं। तुम मेरा खून हो ईशान, मेरी वफादारी के वारिस हो तुम। आपकी वफादारी की मैं इज्जत करता हूं बाबा, आपकी बहादुरी पर नाज है मुझे, लेकिन क्या मैं वफादार होकर अंधाधुंध हो जाऊं? सही और गलत में फर्क देखने से इनकार कर दूं? तेरे अंदर मैं ये किसकी आवाज सुन रहा हूं? ये तेरी आवाज नहीं है। ये आवाज आपके अंदर भी है बाबा, लेकिन आपने उसके मुंह पर वफादारी की पट्टी बांध रखी है। ये आवाज मां की भी थी, लेकिन आपने उसे अनसुना कर दिया। बाबा मुझे नाज है कि मैं आपका अंश हूं, लेकिन मुझे शर्म महसूस होती है जब मुझे लोगों से आपके बारे में झूठ बोलना पड़ता है। किन लोगों के सामने झूठ बोलना पड़ता है तुम्हें? कौन है ये लोग? तुमसे इसने कहा कुछ? बाबा मैं एक लड़की से मिला हूं, सुमन नाम है। ओ, तो ये लड़की का मामला है? मैं उसे बहुत चाहता हूं।
हमारे यहाँ एक कहावत है, औरत के आंसुओं से तलवार में जंग लग जाता है। देखिए, ईशान हमारी इकलौती औलाद है, अगर वो ये काम छोड़ना चाहता है एक लड़के के लिए ही सही तो हमें मान लेना चाहिए। आखिर इस तरह की जिंदगी ने हमें क्या दिया है आज तक? मुजरिम बनके एक डर में जीते रहे हैं। आपकी जिंदगी तो बीत गई, अब बेटे को तो अपने ढंग से जीने दीजिए। मैं तो कहती हूँ आप ही अलग होकर अपनी बची खुची जिंदगी शांति से गुजारिए। See, bye.
और उस वक्त मैं चुप रह गई थी, पर आज कह सकती हूँ शायद मैं बहुत अंधविश्वासी हूँ। मुझे खुशियों से बहुत डर लगता है। आई डोंट ट्रस्ट हैप्पीनेस, यू नो। जरा ध्यान से देखना उसे। ये एसीपी खान है ना? हेलो, कैसे हैं आप लोग? बस ठीक है। ये अमृता, और अमृता वो सुमन जी, और ये ईशान। सुमन, ईशान। अच्छा, मिलते हैं फिर कभी। ईशान। यस सनी। कम ओवर। सुन रहे हो ना? अभी यहां आ जाओ, जस्ट नाउ। ओके। निशी, आई जस्ट कांट टेक दिस एनीमोर। पता नहीं तुम्हारे दोस्त को क्या हो गया है। निशी जरा वाली कार का पता चल गया है। किसके नाम पर है? जोधा भाई के पोते सुनील सिंह के नाम पर है। तुम्हारी दोस्त पुलिस को कुछ बताने जा रही थी और तुमने उसे रोका तक नहीं, ये जानते हुए भी कि उससे सनी को खतरा था। बाबा, सुमन जो सही समझे वो करने का उसे हक है। नहीं, उसे कोई हक नहीं है, और अगर वो तुम्हारी करीबी दोस्त है तो उसे ऐसा करने का कतई हक नहीं है। अपना फर्ज मत भूलो ईशान। जोधा भाई और सनी के लिए तुम्हारा जो फर्ज है वो किसी के भी हक से बड़ा है। अपने दोस्त से कह के वो बयान बदलवा दो और कहलवा दो कि उसे कुछ ठीक से याद नहीं। बाबा, मैं सुमन से कुछ नहीं कह सकता। निशान, अगर तुम अपनी दोस्त की खैरियत चाहते हो तो तुम्हें यही करना पड़ेगा, और उसके बाद उस लड़की से रिश्ता खत्म कर दो। जो तुम्हारे फर्ज के आड़े आए वो तुम्हारे लिए नहीं। बात खत्म। रैनी। ओह, हेलो अंकल। हेलो विजय। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। कैसे हो रणधीर? अच्छा हूँ अंकल। ड्रिंक बनाता हूँ आपके लिए। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। मुझे तुम्हारी कार की चाबियां चाहिए। क्यों, आपकी कार खराब हुई है? नहीं, मेरी कार ठीक है। ये जोधा भाई ने कहा है। दादाजी ने क्या कहा है? सनी, वो कार तुमने अमृत कुंज वाले मामले में इस्तेमाल की थी और पुलिस को पता चल गया है। कैसे पता चला पुलिस को? किसी ने खबर दी है उन्हें। किसने दी है? किसी ने। जोधा भाई चाहते हैं कि मैं तुम्हारी कार। किसने खबर दी है पुलिस को? सनी, खबर किसी ने भी दी हो, हमें अपना बचाव करना है। चाबी दो। आप जानते हैं खबर देने वाला कौन है, मगर आप मुझे नहीं बता रहे हैं। सनी, ये बात नहीं है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप समझते हैं
मुझे जानने का कोई हक नहीं है। सनी, मुझे हर बात जानने का हक है। किसी लड़की ने खबर दी है पुलिस को। नाम? सुमन। पूरा नाम? सुमन देव। सुमन देव, आपके बेटे की दोस्त? तो आप नाम इसलिए नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वो आपके बेटे की दोस्त है। सनी, तुम जोधा भाई के पोते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओ। आप एक चुगलखोर लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कल वो आपकी बहू बन सकती है। सनी, और दादाजी आपको अपना सबसे वफादार दोस्त समझते हैं। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो सनी। आप जोधा भाई के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्या हुआ? एक कांस्टेबल को तुम्हारे बाबा की लाश मिली समंदर के किनारे। किसी ने इनको शूट किया है। सनी, बाबा को किसी ने शूट कर दिया है? किसने किया है? मेरे बाबा का खून किसने किया है? हम उन्हें खोज निकालेंगे ईशान। मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा जिसने मेरे पापा पर गोलियां चलाई। तो पता करो, उसका पता चलना ही चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से। ईशान, ईशान मेरे बेटे, अब और खून खराबा नहीं, तो किसी पे वार नहीं करेगा। माँ, मैं पापा के हथियारों को कैसे माफ कर सकता हूँ? मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। और ये पुलिस का काम है बेटा। नहीं माँ, ये काम मेरा है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें ढूंढकर। नहीं, नहीं, मैं अपने बेटे के हाथों पर किसी का खून नहीं लगने दूंगी। अपने बाबा पर हाथ रख और कसम खा, तू किसी की हत्या नहीं करेगा। माँ, पर किसी पर वार नहीं करेगा, किसी पे हथियार नहीं चलाएगा तू। लेकिन नहीं बेटे, वचन दे, वचन दे। वही करूंगा मां, वही करूंगा।
सुमन, इससे पहले कि तुम्हें अखबारों से या किसी और से पता चले कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूं। मेरे पिताजी नाहर सिंह जोधाबाई के लिए काम करते थे और जोधाबाई अंडरवर्ल्ड के आदमी है। दरअसल वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन है। मेरे बाबा और जोधाबाई बंबई साथ साथ आए थे। मेरे पापा ने जोधाबाई के खानदान के साथ वफादारी की सौगंध खाई थी, वही सौगंध मुझे भी खानी पड़ी। सुमन, आज तक मैंने तुम्हें अपने बारे में सच नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, और आज सब कुछ बताने की हिम्मत कर पाया हूं तो तुम्हारी वजह से। मैं अब तुम्हें और धोखा नहीं देना चाहता। तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। सुमन, सच के लिए हर कीमत चुका सकने की हिम्मत मुझे तुमसे मिली है। तुम्हें खो सकने की हिम्मत भी मुझे तुमसे मिली है। सुमन, सुमन, मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि मैं चुन की जिंदगी छोड़ दूंगा, बदल जाऊंगा, मैं चाहे कुछ भी सहना पड़े। मेरा विश्वास करो सुमन। देखो इधर, कैसा लगा? खुशकिस्मती समझो तुम्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया है। जोधा भाई की पहुंच ऊंची है लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। इतना तो हमें पता चल गया है कि अमृता के मां बाप और भाई की हत्या में तुम शामिल थे। हम ये भी जानते हैं कि तुम अकेले नहीं थे, तीन और थे तुम्हारे साथ। कौन थे वो? अगर समझते हो कि चुप रहने से बच जाओगे तो तुम गलतफहमी में हो। जोधा भाई क्या करता है हम जानते हैं। तुम्हारा बाप जोधा भाई के लिए क्या करता था हम ये भी जानते हैं। तुम उसके लिए क्या करते हो हमें इसका अंदाजा है। हम सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि दूसरे लोग कौन थे जिनसे मिलकर तुमने अमृता के पूरे परिवार को मार डाला। लुक एट हर, यू देखो उस लड़की की हालत क्या है, किस जुर्म की वजह से वो उस कुर्सी में अपाहिज होकर बैठी है। देखो उसे, देखो उसके चेहरे को, उसकी आंखों को, उसकी लाचारगी को देखो। वो चल फिर नहीं सकती है, ठीक से बोल नहीं सकती है, और शायद सोच भी नहीं सकती है। तुमने उसका पूरा भविष्य छीन लिया है। तुम जिम्मेदार हो एक बेकसूर मासूम लड़की को पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज और मोहताज बना देने के लिए। जरा सोचो, उसकी जगह अगर तुम्हारी सुमन होती तो। थोड़ी देर के लिए
अपनी सुमन को उसकी जगह बिठा कर देखो, उसके चेहरे पर अपनी सुमन का चेहरा लगा कर देखो, देखो उसे। मुझे कुछ नहीं देखना। देखना पड़ेगा, देखना तो तुम्हें पड़ेगा ही। बोलो। ईशान भाई को पुलिस ने बहुत मारा है साहब, उनकी हालत बहुत खराब है। पता नहीं उनसे क्या क्या पूछा और उन्होंने क्या क्या बोल दिया। अच्छा ठीक है। पुलिस पूछताछ के लिए बुलाया था। मेरा तुम्हारे पास लौटना इतना आसान नहीं था ईशान, मैं रात भर सोई नहीं, लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कोई नहीं रहा मेरे आसपास जिस पर विश्वास किया जा सके, जिसकी अच्छाई पर भरोसा किया जा सके। सोचने लगी क्या मुझे जिंदगी भर इस शक के साथ जीना होगा कि हर खूबसूरती के पीछे शायद बनावट और धोखा है। मैंने इतनी नाउमीदी, ऐसा अंधेरा कभी महसूस नहीं किया था ईशान। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इतना निराश होकर नहीं जीऊंगी, अपने दिए को बुझने नहीं दूंगी इतनी आसानी से। मैं अपने विश्वास को एक और मौका देने आई हूं ईशा। आज तक कोई भी फैसला मेरा अपना नहीं था, कुछ फैसले मुझे बाबा से विरासत में मिले, कुछ कर्तव्य के नाम पे किए गए, कुछ कसम के नाम पर, और बाकी मेरे माहौल ने कर दिया। आज तक कोई भी फैसला सही या गलत का फर्क देख के नहीं किया गया, मेरे माहौल ने जो मुझे दिया मैं लेता गया, जो मुझसे मांगा मैं देता गया। सुमन,
तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस दायरे के बाहर भी कुछ है। तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, सच्चाई छुपाओ, एक खूनी को आजाद फिरने दो और अपने दोस्त से वफादार रहो, या सच का साथ दो, सच्चाई को सामने लाकर उस खूनी को उसकी सजा दिलाओ और इंसानियत के नाते जो हमारा फर्ज बनता है उसे पूरा करो। ईशान, मेरे लिए ये फर्ज अपने किसी भी निजी फैसले या शपथ से बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें बदलना है तो तुम्हें इनमें से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। यही तो दुविधा है सुमन, मैं बदलना चाहता हूं लेकिन अपने दोस्त के साथ गद्दारी करके नहीं। ऐसा करूंगा तो मैं अपने आप के साथ जी नहीं सकूंगा। मगर ईशान, अगर सनी ने तुम्हें अपनी शपथ से आजाद नहीं किया तो हेलो ईशान सिंह, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाबा को किसने मारा? तुम चाहो तो तुम्हारे बाबा के कातिलों का पता लगाने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये इत्तेफाक भी हो सकता है या हो सकता है इसके पीछे कोई वजह छुपी हो, मगर यह सच है कि उस बुजुर्ग मास्टर और अमृता के पिता की लाशों से बरामद की हुई गोलियां उसी मेक और कैलिबर की हैं जो तुम्हारे बाबा की लाश से मिली है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये इत्तेफाक भी हो सकता है, मगर सोचने की बात है, नहीं? मैं कैसे यकीन करूं कि आप सच बोल रहे हैं? मैं आपका विश्वास क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, और जो दवाई को दी हुई छूट के 6 महीने खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं है। हेलो हेलो हेलो, व्हाई डोंट यू स्पीक, डैम इट, बोलते क्यों नहीं? हेलो, खूनी का पता लगाने के बदले में आपको क्या चाहिए? अमृता के घर में तुम्हारे साथ कौन कौन था, किस किस ने गोलियां चलाई? दूसरे, तुम सरकारी गवाह बन जाओ। शर्तें मुझे मंजूर नहीं। तो तुम सरकारी गवाह नहीं बनोगे? नहीं। नाहर सिंह के कातिलों का पता लगाने की शर्त पर भी नहीं? नहीं। ईशान, सनी। हाय सनी। बहुत जरूरी बात है, फोन पे नहीं हो सकती। तुम अभी निकलो और भवानी नगर वाली साइट पर आ जाओ। और सुनो, टैक्सी में आना, किसी को पता न चले। ओके, थैंक्स। चलो।
टैक्सी छोड़ दो। रैंडी मर गया। रैंडी मर गया? कब? कैसे? वो अपनी बालकनी से गिर पड़ा। ऐसे कैसे बालकनी से गिर सकता है? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या? मुझे पता चला कि अंकल नाहर के मर्डर में रैंडी का हाथ था। रैंडी? बाबा के मर्डर में? यकीन नहीं होता ना? पहले मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन जब ठोस सबूत सामने आया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं उसके घर गया, उसे बालकनी से फेंक दिया। एनीवे, मुझे ये बताओ, एसीबी खान क्या चाहता है? सनी ने कहा उसने रैंडी को मार डाला। रणधीर को? उसने कहा रैंडी का हाथ था बाबा की हत्या में। रैंडी? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मुझे लगता है सनी कुछ और भी जानता है बाबा के खून के बारे में, जो उसने मुझे नहीं बताया। सुमन, आज जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अच्छा होगा अगर तुम कुछ दिनों के लिए मुझसे मिलना बंद कर दो। और ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? नहीं। देखो सुमन, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी खतरे में पड़ जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी ईशान। सुमन, आज मुझे लगा कि सनी और मेरे बीच कुछ टूट गया है, और साथ ही अमृता का बेसहारा चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने आ रहा है। पता नहीं कब क्या हो जाए। इससे पहले मैं अमृता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ताकि उसे किसी के सामने हाथ ना पसारने पड़े। सुमन, मैंने फैसला कर लिया है, मेरे लिए कोई भी किसी के लिए भी ली गई शपथ इंसानियत के और मेरे फर्ज से ज्यादा अहम नहीं। इस फैसले के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। हेलो विशाल। हाय। आओ। ओह। हेलो सुमन। हेलो। जान बचाने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। थैंक्स। तेरी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है सनी। फॉर्मेलिटी की बात नहीं है, मैं सचमुच तुम्हारा एहसानमंद हूँ। एक और बात, अकेले में कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी। सुमन, रुको। सुमन यहीं रहेगी। जैसा तुम चाहो। बोलो। गलत मत समझना ईशान, लेकिन हम सब इंसान हैं और एक हद के बाद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर पुलिस के सामने तुझसे कुछ, मतलब किसी का नाम वगैरह गिनाओ। मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। आई एम श्योर। फिर भी जरा याद करो, बहुत टॉर्चर किया था तुमको। शायद अनजाने में कोई नाम निकल गया हो। सनी, तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर। ये बात नहीं है ईशान, तुम समझते हो
मैंने तुम्हें पुलिस के हाथों बेच दिया है। कम ऑन ईशान। सनी, तुम्हें बाबा की हत्या के बारे में क्या मालूम है? तुम क्या जानते हो जो मुझे नहीं बताया? ये हमें क्या हो गया ईशान? तुम्हें कैसे पता चला कि रैंडी का उसमें हाथ था? हम दोस्त हैं, हमारे बीच ये दरार किसने डाल दी? बाबा के कातिलों का पता है तुम्हें? बताओ कौन है वो? तुझ पर मेरा हक है। यू बिलोंग टू मी डैमिट। तुमने मेरे साथ वफादारी की कसम खाई है। एक तुम ही तो थे जिस पर मेरा पूरा विश्वास। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारा मुझ पे कोई विश्वास नहीं। वफादारी की कसम का कोई मतलब नहीं होता अगर सामने वाला विश्वास ही ना करे। तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं। मैं अपनी सौगंध से आजाद हूं। खुद पे काबू रखो। We are family। बाबा को किसने मारा सनी? मैं चुगलखोरों के सामने घर की बात नहीं करता। क्या मतलब? तुम जानते हो मुझे गद्दारों से कितनी नफरत है। और आपकी ये खास दोस्त सुमन देव, उसने पुलिस को जा दी। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, जो मेरा फर्ज। और तुम्हारे वफादार बाबा इस चुगलखोर को बचाना चाहते थे, जोधा भाई के साथ गद्दारी करने चले थे। तुमने मेरे बाबा को गद्दार कहा? सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है ना? तेना संगता कहने तो दिल दिया गल्ला हूँ।